उत्तर भारत के ऐतिहासिक रामलीला भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन रामलीला मैदान की हालत बेहद खराब है। जिलाधिकारी रामलीला मैदान का निरीक्षण करने पहुंचे। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने रामलीला मैदान की अर्थव्यवस्थाओं को दिखाया। जिलाधिकारी ने मेट्रो के अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर भारत की ऐतिहासिक आगरा की रामलीला प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन मैदान पर तैयारी पूरी दिखाई नहीं देती है। आप देख सकते हैं, ये रामलीला मैदान है जहाँ पर काफ़ी कमियाँ हैं। निर्माण कार्य चल रहा है, रामलीला भी चल रही है। यही वजह थी कि जिलाधिकारी को भी खुद मैदान में उतरना पड़ा। श्री रामलीला प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन रामलीला मैदान पर अव्यवस्थाओं का अंबार है। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल की शिकायत पर जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा निरीक्षण करने पहुंचे। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल के साथ जिलाधिकारी ने मैदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेट्रो के अधिकारी भी मौजूद थे। जिलाधिकारी ने एक एक कर सभी व्यवस्थाओं को देखा। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल मैदान की अव्यवस्थाओं को दिखा रहे थे। जिलाधिकारी के तेवर अव्यवस्थाओं को देखकर बेहद सख्त थे। जिलाधिकारी ने मेट्रो सहित सभी अधीनस्थ अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी का कहना था, जल्द काम पूरे कर लिए जाएंगे। रामलीला मैदान में रामलीला आने वाले दिनों में होने वाली, इसी के संबंध में जो मेट्रो का काम चल रहा था, मेट्रो के काम होने के बाद अभी कुछ मैदान में काम कुछ बचा है जिसमें रामलीला होनी है, ताकि सफलतापूर्वक कराने के लिए कुछ काम बचा है। रामलीला का जो समतल करानी हो, स्टेज को रिपेयर करानी हो, स्टेप्स का हो, इन सब पे काम अभी पेंडिंग है। इसी के आज माननीय विधायक जी के साथ और सारे प्रशासन की टीम के साथ एक विजिट था, तो इसी के संबंध और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको और कंपनी को जो उनको निर्देशित किया गया है कि जो हमारे आने वाले दिनों में जो होगी उसके लिए सुरक्षा के दृष्टि से और सफलता कार्यक्रम के लिए आवश्यक निर्देश भी दिया जा चुका है, इसका हर दिन रिव्यू किया जाएगा। मेट्रो रेलवे स्टेशन पर आने के चलते रामलीला मैदान पर खुदाई की गई थी, जिसके चलते मैदान खराब हो गया है। मैदान को ठीक करने का काम देरी से शुरू किया गया, यही वजह है विधायक और रामलीला कमेटी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल नाराज थे। देखिए, काम चल रहे हैं, लेकिन आज जिलाधिकारी जी ने मेट्रो वालों को जो निर्देश दिए हैं उससे आशा की किरण जागी है, और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से जिलाधिकारी जी ने नाराजगी व्यक्त की मेट्रो के प्रति और उनको जो सख्त निर्देश दिए हैं उससे मुझे लगता है कि मेट्रो 2-3 दिन में अपने काम को पूर्ण कर लेगा। हम लोग भी चाहते हैं कि भी मेट्रो का अच्छा काम हो, लेकिन जो काम पूरे हो चुके हैं उन कामों को पूरा कर देना चाहिए, लापरवाही में टालना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेट्रो आवश्यक थी। वो काम पूरा मेट्रो का हो चुका, महीनों पहले हो चुका, इसलिए मेट्रो को चाहिए कि वो इस काम को पूरा करें। यहाँ से मिट्टी को जहाँ फिल करनी है वहाँ फिल करें, ये आवश्यक है। और रामलीला कल से मैदान में प्रारंभ हो चुकी है और धीरे धीरे लोगों की उपस्थिति भी बड़ी संख्या में होने जा रही है। जिलाधिकारी ने जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया है। रामलीला कमेटी को उम्मीद है कि अब काम पूरा हो जाएगा। जिलाधिकारी ने भी कह दिया है कि हर रोज कार्य को देखने के लिए आएंगे। जिलाधिकारी ने तैयारियों को लेकर सख्त निर्देश दे दिए। साफ हिदायत मेट्रो के अधिकारियों को दी गई है, अन्य लोगों को दी गई है, जैसे समय पर निर्माण कार्य पूरा हो जाए। दशहरे पर भारी भीड़ रहती है, मैदान में काफ़ी कमियां हैं, इसी को लेकर जिलाधिकारी सख्त तेवरों में नजर आए। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी के आदेश कैसे मेट्रो के और संबंधित अधिकारी पूरा करते हैं। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।